आइए नाज़रीन, आज हम आपको सेमोलिना केक बनाना सिखलाते हैं, जिसको के बसबूसा भी कहा जाता है। इसका सही प्रोनंसिएशन का तो हमें इल्म नहीं है। यह एक इजिप्शियन डिज़र्ट है जिसमें 1 कप फाइन सेमोलिना है, 1 कप शुगर है, 1 कप योगर्ट है, 1 कप क्रश्ड कोकोनट है, 3/4 कप ऑलिव ऑयल लिया है हमने, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, और 1/2 कप जो है वो हमने फुल क्रीम पाउडर मिल्क का लिया है। डिश में लगाने के लिए हमको थोड़ा सा बटर चाहिए और 1 टेबलस्पून जो है वो फ्लावर ले लें, 1 to 2 टेबलस्पून लेमन की ज़रूरत होगी, 1 एग, 3 टेबलस्पून फुल शुगर के लिए हैं, 3 ग्रीन कार्डमम्स ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। अब सबसे पहले जो हम अपना सॉस पैन है उसको स्टोव पर रख के उसमें 1 कप हम पानी डालेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून शुगर और कार्डमम्स भी जो है वो ऐड कर देंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। अब जो है वो हम सब चीज़ें जो हैं छान लेंगे। केक बनाने के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम हर चीज़ को छानें। सबसे पहले हमने चीनी छानी है, और जो भी अगर इसमें ज़रा से बड़े टुकड़े आपको नज़र आए तो वो आप फेंक दें। इसके बाद जो है वो हम सेमोलिना को छानते हैं, वो तो आसानी से ही छन जाती है, और ये है पाउडर मिल्क, इसको हमने छाना है, और इसके बाद हम कोकोनट जो है क्रश्ड कोकोनट वो डाल लेंगे। ये छलनी जो है ये ज़रा बारीक है, तो बस ये देख लें कि इसमें जो है वो आपके लम्ब्स ना रहें। अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसके बाद आपने इसमें ऑयल डाल देना है और योगर्ट ऐड कर देना है। फुल क्रीम योगर्ट है ये जो हमने लिया है, और 1 एग जो हमने लिया था उसको हम अच्छी तरह पर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा जो इसका मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। इस मिक्सचर को अब हमने 2 आवर्स के लिए रेस्ट देना है, यानी कि ये 2 घंटे के लिए रखा रहे फ्रिज में नहीं बल्कि आम रूम टेम्परेचर पर ही। अम्मी जो है वो बादाम छील कर पीस रही हैं, माइक्रोवेव में हमने 3 मिनट्स के लिए इनको रखा है और इनको पील कर लिया है। कुंडी जो है उसमें तरह तरह की चीज़ों की खुशबू होती है, तो इसमें हम एक नया प्लास्टिक बैग रख के इसकी पेंसिल जो है उससे उसको कूट लेंगे, तो ये हमारे आमंड्स जो हैं ये क्रश हो जाएंगे। अब हमने एक बेकिंग डिश लेनी है, उसमें जो हमने थोड़ा सा बटर लिया था वो अच्छी तरह से ब्रश से लगा लेना है सब तरफ, और इसके बाद हमने जो प्लेन फ्लावर लिया था 1 टेबलस्पून उसको अच्छी तरह पर डिश को इस तरह पर घुमा घुमा कर आपने हर तरफ लगा लेना है। इससे यह होगा कि ये बिल्कुल भी जो आपका मिक्सचर है ये बेक होने पर जो है ये डिश के किनारों पर नहीं चिपकेगा। अब आपने ये जो डो मिक्स किया था 2 आवर्स के बाद इसको डिश में लगा लेना है, डिश के किनारे जो हैं वो साफ़ कर लेने हैं, वरना अगर ये मिक्सचर किनारों पर लगा रहेगा वो बर्न हो जाएगा और आपका डिश जो है वो धोना एक मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर हमने जो आलमंड्स हैं वो छिड़क लिए हैं, इसको अब हमने फैन फोर्स्ड ओवन में 180 डिग्री पर रखना है। 45 मिनट्स में ये हो जाता है, हर ओवन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो आप जब ये देखें कि ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो समझ लें कि ये बिल्कुल तैयार है। साथ ही हमने जो ये शीरा तैयार किया था अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, और इसमें हमने 1 to 2 टेबलस्पून जो है वो लेमन के डाल देने हैं। ये देखिए हमारा ये जो सेमोलिना केक है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कुछ देर के लिए करीबन कोई 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, और ये देखिए साइड पर ये कितनी अच्छी तरह से बना है कि बिल्कुल भी साइड से चिपका हुआ नहीं है। और 10 मिनट के बाद इसके ऊपर हमने जो शीरा बनाया था शुरू में उसको डाल लेंगे। ये बड़ी अच्छी तरह से इसके हिसाब से पूरा आ जाता है, इसकी पूरी ऊपर की लेयर में ये डाला जाता है। ये देखिए हमारा ये जो डिज़र्ट है ये बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी जो है ये हमारी एक व्यूअर जो है रेन लवर 84 उन्होंने भेजी है। अच्छा बनता है, आसान है और हेल्दी है, बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है इसका, तो ट्राई कीजिए। ये इजिप्ट की रेसिपी है, बिला शुबा वो लोग जो हैं वो इसे बनाने में मास्टर करते होंगे, लेकिन हमने तो ये कोशिश ही की है। तो खुदा करे कि आपको पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।